नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत ने स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती के अवसर पर आयोजित युवा चेतना दिवस कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के कई युवाओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही राज्य में युवा आयोग अस्तित्व में आ जाएगा, इसके लिए बजट का प्राविधान भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद एक ध्येय वाक्य उन्होंने दिया था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। विवेकानंद जी भारतीय संस्कृति के संवाहक थे। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक सभी तरह की शक्ति हमारे युवाओं में होनी चाहिए, इस पर उन्होंने विशेष बल दिया। विवेकानंद जी ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद बागेश्वर एवं अगस्त्य मुनि के स्मरणों का वर्णन किया है। उत्तराखंड से स्वामी विवेकानंद जी का विशेष लगाव था। विवेकानंद जी का जीवन दर्शन युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज प्रदेश के मुख्य युवाओं के साथ जो संवाद हुआ है, इसमें बहुत अच्छे सुझाव मिले हैं। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि युवाओं द्वारा जो भी सुझाव दिए गए हैं उनका संग्रह किया जाएगा। ये विचार सरकार के लिए नीतिगत निर्णय लेने में सहयोगी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवा जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कार्य के प्रति समर्पण का भाव हो तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। उच्च शिक्षा एवं सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि विवेकानंद जी का जन्म दिवस प्रदेश में युवा चेतना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज प्रदेश भर में 127 स्थानों पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमशः 1,00,000, वहीं 75,000 एवं 50,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। ये पुरस्कार 23 जनवरी को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज से 23 जनवरी तक 125 स्थानों पर ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम के मुख्यमंत्री के निर्देशन में किए जा रहे हैं। गरीब बच्चों जो रिसर्च करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को मुख्यमंत्री रिसर्च फेलो पुरस्कार दिया जाएगा। गरीब बच्चों के लिए IAS एवं PCS की कोचिंग के लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। ये कोचिंग जिन परिवारों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होगी उनको दी जाएगी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्रीमती राधिका झा, वर्चुअल माध्यम से कुमायूं कमिश्नर श्री अरविंद सिंह हाकी, सभी जिलाधिकारी एवं युवा उपस्थित थे। प्राइम न्यूज 24 के लिए उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।